मैं फिर से आ गया हूँ टेक न्यूज़ का एक नया एपिसोड लेके। आप लोग देख रहे हैं टेकी ऑडियो विद योर फ्रेंड ऑरिजिन शो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज़ टेक न्यूज़। HMD ग्लोबल ने अनाउंस कर दिया नोकिया का नया फोन का लॉन्च इवेंट का, जो 22 सितंबर हेल्ड होने वाला है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली दो फोन तो आ रहा है, जो है 2.4 और 3.4। और बाकी और क्या क्या अपकमिंग फ़ोन के बारे में नोकिया बताते हैं, हम लोग देखते हैं इवेंट में। फेसबुक के तरफ से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। फेसबुक के जो मैसेंजर है वहाँ पर फेसबुक ने एक नया फीचर सेट कर दिया है, जहाँ पर हम लोग 8% एक साथ एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा बात है। और एक नया ऐप को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है मैसेंजर रूम, जहाँ पर हम लोग अप टू 50% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉल में बात कर सकते हैं। तो ओप्पो यूज़र के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि ओप्पो का जो कलर ओएस 11 है वो एंड्रॉयड बेस 11 के ऊपर बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है, जो फिनाल ओप्पो का X2 सीरीज़ के ऊपर लागू हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारा नया फीचर्स भी देखा जाएगा, जहाँ पर ऑलवेज़न डिस्प्ले का नया थीम देखा जाएगा। तो यूज़र जो है वो खुद के मर्जी से फॉन्ट बना सकते हैं, आइकॉन बना सकते हैं और नया रिंगटोन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बैटरी का भी नया सेविंग्स मोड देखा जाएगा। दोस्तों हमारे हाथ के ऊपर ग्रीन एनर्जी की जरूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो कार्बन इमिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो गूगल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसके लिए, क्योंकि गूगल ने लास्ट ईयर ही उसका जो 60% यूजेस था वो रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कर चुका था ऑलरेडी। और गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, उसने बोला है कि 2030 के अंदर जितना भी उसका इलेक्ट्रिसिटी यूजर होगा वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हो जाएगा, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो मुझे तो लगता है सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं है, हमारा सभी सिटीजन और ऐसा छोटा बड़ा सभी कंपनी को जिम्मेदारी लेना होगा ऐसा हम लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने के लिए। सैमसंग के तरफ से बहुत ही अच्छा न्यूज़ आ रहा है। तो सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 जो बहुत ही जल्दी इंडिया के ऊपर लॉन्च होने वाला है, इसका कुछ लाइव इमेज सैमसंग के वेबसाइट के ऊपर आ गया है। इसका डिस्प्ले का साइज हो सकता है 10.4 इंच, जहाँ पर स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखा जाएगा। और इसका प्राइस लगभग 20,500 के आसपास हो सकता है। Realme 7A टीज हो चुका है ऑनलाइन के ऊपर और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुका है। तो सुनने में आ रहा है कि ये स्नैपड्रैगन 662 के ऊपर आएगा, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। और इसका जो प्राइमरी सेंसर होगा कैमरे का वो होगा 64 MP के आसपास। और इसमें 5000mAh के बैटरी और 18W का चार्जर देखा जाएगा। सोनी PlayStation 5 का शोकेस इवेंट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं 16 सितंबर को। तो सोनी ने ऑफिशियली बोला है कि यहाँ पर जो PlayStation 5 का डिटेल्स जो है वो बताया जाएगा, और कुछ कुछ गेम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च होएगा तो उसके बारे में भी डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप लोग क्या इंटरेस्टेड है सोनी PlayStation 5 के ऊपर, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। गुजरात पुलिस ने इंट्रोड्यूस कर दिया है इंडिया का पहला टेजर गन का। तो टेजर गन क्या होता है, टेजर गन पे नाइट्रोजन कॉम्प्रेस नाइट्रोजन रहता है, और इस यहाँ पर दो पोब रहता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के मांसल के ऊपर आता है तो मांसल थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। और इसके जरिए गुजरात पुलिस ने बता रहा है बहुत ही ईजिली कोई भी ऑब्स्टिकल सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं वो लोग। सेल्फ चेक कियोस्क का डेवलप कर दिया है IIT गुवाहाटी ने। तो COVID-19 सिचुएशन से फाइट करने के लिए वो लोग इसको डेवलप किए हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं वो लोग। तो पहले एक UV चेम्बर के अंदर हम लोग को जाना होगा, तो उसके बाद वो मशीन डिटेक्ट करेगा कि कितना टेम्परेचर है और हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का सिचुएशन कैसा है। तो ये दो मेन सिम्टोम ही चेक कर रहे हैं ये मशीन। और इसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड है ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, पूरा WHO का जो गाइडलाइंस है उसको मान के किया गया है, और ये पूरा की पूरा टचलेस सिस्टम है। आज का टेक न्यूज़ अगर अच्छा लगता है तो दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर भाई के चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना भाई को थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए।